हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे के पिजन्स वर्ल्ड। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में आप सबका। तो आज बड़े दिन के बाद अपने लॉफ्ट में आया हुआ था, तो लॉफ्ट में थोड़ा आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाते हैं, लॉफ्ट में क्या चल रहा है ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आज। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से हम देखते हैं कि ब्रीडिंग कैसी चल रही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे ऊपर कोई पेयर नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक चिक यहाँ पे, उसके बाद जो दूसरा पेयर था वो मैंने यहाँ पे, उसने, मैं यहाँ पे था नहीं, उसने एग दिए थे हाई फ्लायर ने, तो ये चिक्स रहे उसके। एग्स बचाने के लिए मैंने ऊपर से वुडन बॉक्स यूज़ किया था, इसने अंदर एग्स नहीं दिए, यहाँ पे दिए थे। तो देखिए बहुत ही अच्छे जो है चिक्स निकले हुए हैं, ये शो कर सकते हैं आप सब। ये देखें अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। उसके बाद चलते हैं हम नीचे, उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ देखते हैं ये एग ले करने वाली है, अभी तक किया नहीं बट रेडी है, बिल्कुल रेडी एग ले करने के लिए। उसके बाद नीचे जो पेयर है मेरा, इसके एक मिनट, ये देखें इसके काफ़ी बड़े चिक्स हो गए, रेड पर्पल के ये दो चिक्स हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने नया पेयर लाया था येलो शिराजी का, तो इसके दो एग्स हैं। यहाँ पे एक एग टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है कोई एग हैच हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये लगता है पुराना एक है, एक एग है यहाँ पे। यहाँ पे भी कोई एक है, यहाँ पे ऐसे फजूल में ये ख़राब एग्स में इस पर रखता हूँ तो ऐसे बैठ गया हुआ है। यहाँ पे इसके एग्स जो थे, इसने यहाँ से एग ले किए थे, टूट गया था। तो फिर साथ में एक और एग था अमेरिकन फैंटेल का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। ये काफ़ी एग्रेसिव है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसने मेरे हाथ ही खा लिया, ये देख सकते हैं आप। ये वाइट अमेरिकन फैंटेल, पहली बार मेरा वाइट अमेरिकन फैंटेल निकला हुआ है। उसके पास कोई पेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैपुचिन है, इसके भी एग्स हैं, इसके एग्स मैंने शिफ्ट कर लिए हैं, अभी ऐसे बैठा हुआ है, वो मैंने उसके नीचे डाल दिए वहाँ पे। ये मेरा यहाँ पे फॉस्टरिंग पेयर्स हैं, तो मैं यहाँ पे था नहीं, अब इसके एग्स जो हैं फर्टाइल हो गए, अब उठाएंगे नहीं क्योंकि इसमें अब बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, तो ये गलत बात है, इसको हम फेंक दें, अब निकलेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे भी एक पेयर ने नीचे अंडे दे दिए, क्या कर सकते हैं अब, कबूतर की अपनी मर्जी, एक ही अंडा दिया हुआ इसने। यहाँ पे दूसरे पेयर हैं, इसमें मेरा अमेरिका इंडियन फैंटेल, इसके चिक्स जो थे एग्स इस बार फर्टाइल नहीं थे, तो इस बार के मैंने इसको दे दिए कैपुचिन के एग्स, शिफ्ट कर दिए। जैकोबियन भी अब मीटिंग मोड में आ गए हुए हैं, तो मेरे कुछ पेयर्स जो रेडी हैं अब इनको शिफ्ट करेंगे बॉक्सेस में, इनको शिफ्ट करेंगे। एक दो पेयर अभी हैं जो लगाने, ये वाली भी, ये भी अभी फीमेल है, ये भी अब रेडी है, इसके लिए एक, इसको भी किसी मेल के, इसके लिए एक मेल लाएंगे अच्छा सा, तो ये देख सकते हैं। अगर कोई लेना चाहता है ये तो मैं सेल भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास मेल अभी है नहीं, ये भी एक
अमेरिकन फ्रंटियर, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप स्पेन्स का, ये मेरे अमेरिकन, ये हाई फ्लायर्स एक बार ब्रीड कर चुके हैं। पहली ब्रीड मैंने हाई फ्लायर से ली तो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है। लगभग अभी दो तीन पेयर्स रह गए जिनने एग्स ले करने, बाकी सब ने किए हुए हैं। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000+ हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह आपके लिए एग्स जो हैं वो, चिक्स जो हैं हम अवेलेबल कराएंगे, चिक्स या ब्रीडिंग पेयर जो हैं वो एक प्रॉपर क्वालिटी के, जितने भी चिक्स होंगे अब हमारे, अब जितने पिजन्स इनके वो वैक्सीनेटेड हैं हमारे पिजन्स, अब जो चिक्स होंगे तो उनको भी हम जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको वैक्सीनेट करेंगे। सेल करने से पहले सभी जो हैं चिक्स हम वैक्सीनेट करेंगे, जो भी पिजन होगा उसको वैक्सीनेट करके ही सेल करेंगे, ताकि वो प्रॉपर जो है पहुँचे कस्टमर तक और एक अच्छी ब्रीड मिले। अभी तक जिसने लिए वो भी अपने रिजल्ट शेयर करें। और ये सब शाम के टाइम में अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज थोड़े पिजन्स काम कर दिए हुए हैं, आपने पहली बार पिछली वीडियोस में देखा होता विंटर्स के चलते, लेकिन अब काफ़ी थोड़ी ब्रीड बढ़ाएंगे, बरसात में अच्छी ब्रीड नहीं ले पाए, इंशाल्लाह इस बार अच्छी ब्रीड होगी। तो जिस जिसने पिजन्स मांगे, चिक्स मांगे, वो उन तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ ऐसे कॉन्टेक्ट में रहें, वीडियोस पे कमेंट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।